हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, और आज हम क्लास ट्वेल्थ में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसको समझते हैं। देखिएगा, सपोज कर लीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है जब हम दो फंक्शंस को कंबाइंड करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। अब सपोज कर लीजिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए हमें अलीगढ़ से कैलकटा जाना है। अब अलीगढ़ से कैलकटा, अलीगढ़ में क्योंकि कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अलीगढ़ से दिल्ली मान लीजिए भाई कार गए हम, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर हमको वहां से दिल्ली से कैलकटा के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो ये आपका एक तरीका हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने दो चीजों को कंबाइंड किया अपने मकसद को पाने के लिए। पहले हम कार से गए अलीगढ़ से, कहाँ गए, दिल्ली, और फिर दिल्ली से कैलकटा हम कैसे गए, बाई प्लेन गए। अगर कोई ऐसा रास्ता मिल जाए या ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अलीगढ़ से कैलकटा सीधे पहुंच सके, तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए अलीगढ़ से कोई ट्रेन जाती है कैलकटा और हम बैठ गए अलीगढ़ में और सीधे डायरेक्ट ट्रेन से कैलकटा पहुंच गए, या मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई बहुत पैसे वाला इंसान है, उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, वो अलीगढ़ से बैठा और सीधे कैलकटा पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, उन दोनों को कंबाइंड कर दिया। बस इसी तरह से हमें समझना है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी, ये सेट है ए और ये है सेट बी, और एफ फंक्शन है जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन है जी, जो कहां से है, बी से सी तक, ठीक है। अब मान लीजिए एफ तो आपका फंक्शन कहां से है, ए टू बी, और जी आपका फंक्शन कहां से कहां तक है, बी टू सी। अब सपोज कर लो x कोई यहां पर है एलिमेंट, ठीक है, तो फंक्शन f ने क्या किया, x को उठाया और उसकी इमेज बना के यहां पर प्रोड्यूस कर दी। अच्छा, एक चीज समझने की है, ये जो इमेज है ये b के अंदर भी जा सकती है और ये इमेज b से बाहर भी जा सकती है, लेकिन अगर ये इमेज b से बाहर चली गई तो फंक्शन जो दूसरा वाला रिएक्ट कर रहा है वो तो b के एलिमेंट्स को उठा के सी पे सी से कनेक्ट कर रहा है, ये एलिमेंट बी के अंदर गया ही नहीं, तो इसका मतलब अब फर्दर आगे इसकी इमेज जी के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो पहले फंक्शन की रेंज है, ये क्या है, पहले फंक्शन की रेंज जो एफ एक्स है, यानी एफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये 100% किस में बिलोंग करनी चाहिए, ये आपकी रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स, यानी कि ये एक्स की रेंज है, या इमेज कह सकते हैं आप इसको, रेंज की जगह क्या कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। तो इमेज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स, फर्स्ट फंक्शन के थ्रू एलिमेंट एक्स ही क्या है, इमेज है, और ये किस में चली जानी चाहिए, बी में चली जानी चाहिए, और बी क्या है आपका, डोमेन ऑफ जी। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, इमेज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लो क्रिकेट का गेम है और बाउंड्री से किसी फील्डर ने जो है वो किसको, विकेट कीपर को थ्रो दी, और विकेट कीपर ने लेके जो है वो विकेट पे वो बॉल मार दी और बैट्समैन आउट हो गया, तो इसमें क्या हुआ, कंपोजिशन हुआ, यानी जो बाउंड्री पर खड़ा हुआ प्लेयर है उसने विकेट कीपर को बॉल दी, विकेट कीपर के हाथ में आई, तभी तो उसने जो है वो बैट्समैन को आउट किया, रन आउट। अगर मान लीजिए जो बाउंड्री से थ्रो फेंक रहा था प्लेयर
वो जो थ्रो फेंकेगा वो अगर विकेट कीपर के हाथ में नहीं आएगी तो क्या बैट्समैन आउट हो सकता है दोस्तों? कतई आउट नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये जो एलिमेंट एक्स है, अगर इसकी इमेज जो है वो अगर आपके बी सेट के अंदर जाएगी नहीं, बाहर चली जाएगी, तो इसका मतलब कंपोजिशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कंपोजिशन इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए इस एक्स ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो जी के डोमेन में जा रही है, तो जी इससे रिएक्ट करके इसकी इमेज क्या बना देगा यहां पर? जी एफ एक्स। क्योंकि जो एफ एक्स है वो आपका डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन की तरह वर्क करेगा जी के लिए, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी के लिए। ये एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज ऑब्जेक्ट फॉर फंक्शन जी। फंक्शन जी के लिए क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। और इसी को आप क्या कंबाइंड कर देंगे, सबसे पहले कौन सा फंक्शन वर्किंग में है? एफ। तो आप एफ ओ जी, जी ओ एफ जो है, ये फंक्शन कहां से कहां तक हो जाएगा? ए से सी पे। यानी आपने एक नया फंक्शन अगर तैयार कर दें जो डायरेक्ट ए की इमेज कहां बना दे, ए की इमेज डायरेक्ट सी पे बना दे, तो उसी को क्या कहते हैं? इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन कहते हैं। और क्योंकि कंपोजिशन जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, तो पहले कौन सा फंक्शन वर्किंग में था? एफ। फिर कौन सा वर्किंग में है? जी। तो ये जो जी ओ एफ फंक्शन हो गया, वो कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को? ए से सी पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यानी कंपोजिशन का मतलब होता है कि जब हम मीडिएटर वाले सेट को हटा के डायरेक्ट फर्स्ट सेट का थर्ड सेट से कनेक्शन कर दें, तो इसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं दो फंक्शंस की। कुछ और चीजें जो है कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लीजिए एफ फंक्शन है आर टू आर, जी फंक्शन है आर टू आर, तो ऐसा हो सकता है एफ ओ जी एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा हो सकता है जी ओ एफ एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा हो सकता है दोनों एग्जिस्ट कर जाए। तो देखिएगा, यहां पर मान लेते हैं हम जी ओ एफ एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर जी ओ एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो जो एफ की रेंज होगी ना वो जी के डोमेन में कंटेंड हो जानी चाहिए, और यहां पर जो जी की जो रेंज है वो एफ के डोमेन में कंटेंट नहीं हो रही होगी, तभी एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं हो रहा। यहां पर क्या हो सकता है? एफ ओ जी एग्जिस्ट कर जाए लेकिन जी ओ एफ एग्जिस्ट ना करे, यानी जो जी की जो रेंज है वो एफ के डोमेन में कंटेंट हो रही है लेकिन जो एफ की रेंज है वो जी के डोमेन में एग्जिस्ट नहीं हो रही। हो सकता है दोनों एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों भी एग्जिस्ट होते हैं तो जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, यानी फंक्शंस के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जरूरी नहीं है आंसर सेम आ जाए, इट मे बी और इट मे नॉट बी। अब चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि फंक्शन आर से आर तक डिफाइंड है और इस तरह से डिफाइंड है, जरा फंक्शन को समझते हैं, एक्स ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो क्यूब है उसमें से क्या 3 में से माइनस करना है और फिर इसकी पावर क्या लेनी है आपको? 1/3। ये फंक्शन है। अब देखिएगा एफ ओ एफ एक्स, ये हो गया एफ एफ एक्स के इक्वल, और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट के क्यूब को 3 में से माइनस करके क्या पावर लेनी है आपको? 1/3 पावर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट का क्यूब करना है। ये आपने क्या कर लिया? ऑब्जेक्ट का क्यूब क्या करा? 3 में से माइनस, और फिर क्या ले लिया आपने? 1/3 पावर। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, आंसर क्या आ गया? एक्स। तो पहले आप अपने फंक्शन को समझिए कि ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन क्या रिएक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट का क्यूब कर रहा है, उसे 3 में से माइनस कर रहा है, फिर उसकी पावर 1/3 हो रही है, तो वो आप समझ लिया। अब तो फंक्शन दो बार आप उसे कंपोजिशन के थ्रू कनेक्ट करें, 3 बार करें, आप उसे प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं एफ ओ जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स, और जी एक्स क्या है आपका? मॉड 5x माइनस 2।
अच्छा एक मिनट, फंक्शन हमारा ये क्या कर रहा है? ये हमारा फंक्शन अगर मैं देखूं तो ये कर रहा है एफ एक्स मॉड एक्स, और एक्स क्या है ऑब्जेक्ट, यानी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का मॉड ले लेता है ये फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया ये, और इसका ये क्या ले लेगा मॉड ले लेगा। लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन का दो बार मॉड लेना मीनिंगलेस होता है, क्योंकि अगर मॉड एक बार पॉजिटिव बना दिया किसी नंबर को तो दोबारा मॉड लगाने का सेंस खत्म हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख लीजिए 5x माइनस 2 का मॉड। अब हम निकालते हैं जी ओ एफ एक्स, यानी जी एफ एक्स, एफ एक्स कैसे डिफाइंड हो रहा था, एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है मॉड एक्स से, तो ये आ जाएगा जी मॉड एक्स। अब जी मॉड एक्स आ गया, एफ एक्स कैसे डिफाइंड हो रहा था मॉड एक्स से। अच्छा इसके फंक्शन को समझना, 5 में ऑब्जेक्ट का इंटू करना, एक्स ही तो ऑब्जेक्ट है, 2 माइनस करना मॉड ले लेना। अब ऑब्जेक्ट क्या है मॉड एक्स, उसमें 5 का इंटू करो, 2 माइनस करो मॉड ले लो, तो ये क्या आ गया जी ओ एफ एक्स। और आप देख रहे हैं एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। अब फिर निकालते हैं एफ ओ जी एक्स, तो ये क्या हो गया एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की पावर 1/3। और देखना हमारा फंक्शन f किस तरह से वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का क्यूब करके उसमें x 8 का इंटू कर देना है, ऑब्जेक्ट का क्यूब करके उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8x। तो f o g x की वैल्यू कितनी आ गई 8x। अब हमें क्या फाइंड करना है g o f x, तो ये क्या हो जाएगा g f x, और f x की वैल्यू ऊपर से कितनी है 8x³। ठीक है, अब जी फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली ऑब्जेक्ट का 1/3 पावर लेनी है, तो 8x³ की क्या ले लिया आपने 1/3 पावर। 8x³ क्या होता है 2x का क्यूब, इसकी भी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2x, और 8x तो 2x के इक्वल नहीं होता। तो ये भी एग्जांपल क्या कंफर्म कर रहा है, जरूरी नहीं है कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। चलिए कंपोजिशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन डिफाइंड कर रखा है f 134 से 125, g 125 से 13, फंक्शन इस तरह से गिवन है, दूसरा फंक्शन इस तरह से, जी ओ एफ निकालना है आपको। अच्छा 1, 2 का मतलब क्या है, 1 की इमेज 2 है यानी f1 equals to 2, 3 की इमेज 5 है यानी f3 equals to 5, और 4 की इमेज 1 है तो f4 equals to 1। इसी तरह से 1 की इमेज थ्रू g क्या है 3, तो g1 कितना है 3, g2 कितना है 3, और g5 कितना है 1। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में राइट फंक्शन से स्टार्ट करते, तो f से स्टार्ट करना है, जब f से स्टार्ट करना है तो इसका मतलब जो हमारा gof फंक्शन है वो f के डोमेन से स्टार्ट लेगा, यानी किससे स्टार्ट लेगा 1, 3, 4 से। अब कहां जाएगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिएगा जरा gof 1 की इमेज निकालते हैं तो क्या आ जाएगी gf1, और देखना जरा f1 की इमेज कितनी है, f1 की इमेज है 2, तो ये आ जाएगा g2, और 2 की इमेज g के थ्रू कितनी है 3, तो यानी कि gof 1 की इमेज किस पे बना रहा है 3 पे। तो अगर आप gof डिफाइंड करना चाहते हैं तो पहली बात तो समझ में आई कि 1 की इमेज कहां पर आ गई 3 पे। अब gof के साथ आपने क्या कनेक्ट कर दिया, gof के साथ आपने 3 कनेक्ट कर दिया, तो ये आ गया g F3, F3 3 की इमेज कहां पर बन रही है 5 पे, तो G5, और G5 की इमेज कहां बना रहा है 1 पे, यानी ओवरऑल क्या हुआ 3 से स्टार्ट लिया 1 पे इमेज बन गई उसकी, तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन GOF है वो 3 की इमेज कहां बना रहा है 1 पे, तो 3, 1। इसके बाद GOF 4, 4 की इमेज निकाल ली है तो GF4, F4 कितना है 1, तो ये कितना आ गया G1, और G1 कितना है 3, तो इसका मतलब फाइनली 4 की इमेज कहां पर प्रोड्यूस हो गई
थ्री पे, तो फोर की इमेज थ्री पे। तो इसका मतलब ये है कि पहले f फंक्शन ने 134 से 125 पे ले गया, फिर g फंक्शन 125 से 13, तो gof हमारा किस में डिफाइंड हो गया, 134 से 13 पे, और वो फंक्शन आपका ये हो गया। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जो है लाइक करिए, इसको कमेंट्स करिए, और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, तो मैथमेटिक्स पावर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें और आप अपने नॉलेज को अपडेट रख सकें। अगर आपकी दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।